बाराबंकी केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों की वापसी को लेकर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में बाराबंकी में छाया चौराहे से कांग्रेस युवा नेता तनुज पुनिया के नेता अपने जिला अध्यक्ष की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन करने के दौरान कांग्रेसियों द्वारा जब जिलाधिकारी कार्यालय का गेट पार कर अंदर घुसने की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस कांग्रेसियों में जमकर तीखी नोकझोंक हुई। यहां तक कि आमने सामने जोरदार भिड़ंत को देखते हुए पुलिस वालों की संख्या और बढ़ाई गई। इस दौरान कांग्रेसी अपने प्रदर्शन के साथ आड़े रहे और गेट के सामने ही बैठकर प्रदर्शन करने लग गए और अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित अपना एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा, जिसके बाद कांग्रेसियों का प्रदर्शन हल्ला बोल रोड पर जारी होकर निकलते रहे। आज हमारे 15-20 दिनों से किसान के समर्थन में हम लोग का जय किसान जय जवान किसान चौपाल चल रही थी। हर ब्लॉक में हम लोगों ने कार्यक्रम किया, ग्राम सभाओं में जाकर के कार्यक्रम किया और आज ये जिला मुख्यालय पे एक पदयात्रा और ज्ञापन के माध्यम से सरकार को ये याद दिलाना है कि जो ये किसान के कानून आपने बनाए हैं, ये जो तीन काले कानून बनाए हैं, ये किसान को ध्वस्त कर देंगे, देश को बर्बाद कर देंगे, देश की नींव को खोखला कर देंगे और इसको तुरंत वापस लेना होगा। माननीय राहुल गांधी जी पहले दिन से इसका विरोध कर रहे हैं, माननीय प्रियंका गांधी जी, लल्लू जी सब इसका विरोध कर रहे हैं, पूरी जनता इसका विरोध कर रही है, सारे किसान विरोध कर रहे हैं, दिल्ली के चारों तरफ पड़े हुए हैं, 250 से ज़्यादा किसान वहाँ पे शहीद हो चुके हैं बॉर्डर पे, लेकिन फिर भी इस सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। हमारी ये छोटी सी पदयात्रा का यही उद्देश्य था कि सरकार को जगाएं और कम से कम वो इस बात को समझें कि किसान के लिए कितना घातक हो सकते हैं ये कानून। आप लोगों को रोका गया था, क्या हुआ था अभी जहाँ बैठे थे? नहीं, जो हम लोग यहाँ बैठे थे, हम लोग इंतजार में थे, प्रशासन ने कहा था यहीं पे वो ज्ञापन लेंगे, अंदर ज्ञापन नहीं लेंगे, तो हम लोग यहीं पे उनके इंतजार में थे, उनको आने में देरी हो गई, इसलिए हम लोग यहीं बैठ गए। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस